हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं टेंस। टेंस एक ग्रामर पोर्शन का महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज मैं ऐसा बताऊंगा कि आपको और कभी भी दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यही टेंस क्या है, यही सब काम आने वाला है, ठीक है। तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा कैसे टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे टेंस सेंटेंस को क्या है हिंदी को इंग्लिश में लिखते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टेंस, टेंस मीन्स होता है काल, ठीक है। मेनली थ्री टाइप्स का टेंस होता है। क्या टेंस? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, तीन टाइप का मेनली टेंस होता है। हर एक टेंस का और चार टाइप होता है। क्या क्या? सिंपल और इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, उसके बाद कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। चार टाइप का हर एक टेंस का और चार टाइप टेंस होता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस को। और प्रेजेंट का फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं हिंदी में? पहले देखो, जिस वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते है, ते हो आदि आता है, ठीक है, मींस कोई सा भी अगर सेंटेंस है तो उसमें अगर ता है, ती है, ते है, ये सब अगर आता है कोई सा भी वाक्य में, तो वहाँ पे क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश में आइडेंटिफाई करना है तो क्या होता है, देखो अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एसीएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मींस कर्ता, ठीक है, और ऑब्जेक्ट मींस कर्म, और ये क्या है? वर्ब। वर्ब मींस क्रिया। इसमें मेनली तीन टाइप का होता है, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मींस क्या है? कर्ता, कर्ता मींस करने वाला, ठीक है। ऑब्जेक्ट मींस कर्म, क्या उसके द्वारा क्या काम हो रहा है, ठीक है, कर्म। और वर्ब, वर्ब मींस क्रिया, ठीक है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, ठीक है। तो खाना खाने वाला कौन है? मैं हूँ। मैं मींस ये क्या हो गया? कर्ता हो गया। कर्म क्या हो रहा है? कि खाने का काम हो रहा है, ठीक है। और क्रिया, ठीक है, क्या यहाँ पे खाना, खाना जो है कर्म है, और खाने का जो काम हो रहा है वो क्या है? क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ता, कर्म, क्रिया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या क्या होता है? आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, या नेम, ठीक है, यही सब्जेक्ट है, इसको छोड़ के और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, है ना, तो ये सब सब्जेक्ट है, ठीक। अब देखो, हाँ, अब क्या होता है, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर में क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एसीएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो है एस लिखा हुआ मीन सिंपल सेंटेंस। अब देखो सेंटेंस वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नात्मक वाक्य। तीन टाइप का मेनली क्या होता है? सेंटेंस वाक्य होते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो इसमें स्ट्रक्चर में अगर नेगेटिव के लिए बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डू अब्लिक डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव प्रश्नात्मक के लिए बनाएंगे, डू और डज पहले आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर आप क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं मीन्स आपका पूरा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एसीआईएस किसके साथ लगता है और डू डज किसके साथ लगता है, ये मेन है, है ना। तो ही सी इट, ही सी इट या नेम के साथ, ठीक है, ही सी इट या नेम के साथ एस या ईएस लगता है, ठीक है। और इसी के साथ क्या लगेगा? डज लगेगा, ठीक है। आप देखो आई, वी, दे, यू, ये सब बच जाते हैं। आई, वी, दे, यू के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। सब्जेक्ट मिस के साथ क्या लगेगा? आई, वी, दे, यू के साथ डू नॉट लगेगा अगर नेगेटिव बनाते हैं तो, और ही सी इट या नेम अगर आएगा अगर नेगेटिव बनाते हैं तो क्या होगा? डज नॉट लगेगा, ठीक है। वैसे ही इसमें भी होगा, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखने से ही समझ आता है। पहला एग्जांपल है वे रायपुर जाते हैं, ठीक है। तो वे क्या होगा? वे मीन्स दे, ठीक है, दे। अब कहाँ जाने का, उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट आएगा, अब वर्ब आएगा, ठीक है। वर्ब मीन्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। वर्ब भी तीन, वर्ब का तीन फॉर्म होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, और फोर्थ भी होता है, फाइव, फिफ्थ भी होता है, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे थ्री टाइप्स का वर्ब लेते हैं, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, टेंस में ओनली थ्री टाइप्स का फॉर्म यूज होता है, ठीक है।
तो आप देखो, वे रायपुर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, दे गो टू रायपुर। ठीक है, ये किसके लिए है, सिंपल सेंटेंस के लिए है। अगर नेगेटिव अगर बनाऊं तो क्या होगा, दे डू नॉट गो टू रायपुर, ये किसके लिए हो गया, ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए हो गया। ठीक है, अब इंटरोगेटिव के लिए बनाऊं तो क्या होगा, डू दे गो टू रायपुर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन मार्क, अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें हो गया साधारण वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्नात्मक, तीनों वाक्य में। अब देखो दूसरा देखते हैं। ठीक है, वह उपन्यास लिखती है। ठीक है, तो क्या होगा, सब्जेक्ट पहले सी, अब लिखना वर्ब। ठीक है, वर्ब मीन्स राइट्स। आप देखो यहाँ पे सी है, सी है मीन्स सब्जेक्ट में क्या लगेगा, वर्ब में क्या लगेगा, एस या ई एस लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट के जगह राइट्स। ठीक है, अब क्या लिखती है, उपन्यास अ नॉवेल, सी राइट्स अ नॉवेल। अब देखो यहाँ पे इसके लिए नेगेटिव के लिए क्या होगा, सी डज नॉट राइट अ नॉवेल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर नेगेटिव बनाएंगे तो एस या ई एस हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे राइट्स था सिंपल सेंटेंस में, नेगेटिव जब बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो डज, इंट्रोगेटिव के लिए डज सी राइट अ नॉवेल, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम सुबेरे उठते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, वी, ठीक है, अब इसके बाद क्या है, उठने का काम है। ठीक है, तो उठना मीन्स वेकअप, वेकअप एट क्या होगा, मॉर्निंग। ठीक, अगर हम नेगेटिव इसका बनाते हैं तो वी डू नॉट वेकअप एट मॉर्निंग। ठीक है, और अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, डू वी वेकअप एट मॉर्निंग, वेकअप एट मॉर्निंग। ठीक है, समझ आया सबको, तो चलो अब आगे देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कैसे पहचान है, ठीक है, पहचान कैसे करते हैं, वाक्य के अंत में यदि रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं, ऐसा अगर बहुत सारा अगर सेंटेंस वाक्य आता है, वाक्य के अंत में अगर ऐसा कुछ आता है तो ये कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का आई एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मीन्स इसमें सब्जेक्ट प्लस इज एम आर लगेगा, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का आई एन जी फॉर्म लगेगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, अब नेगेटिव के लिए, ये तो है सिंपल सेंटेंस के लिए, अब नेगेटिव सेंटेंस के लिए ये है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का आई एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मीन्स इसमें क्रिया में हमेशा आई एन जी फॉर्म लग जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर इंट्रोगेटिव बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए तो ये क्या होगा, इज एम आर पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का आई एन जी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, हाँ, अब देखो हमें ये जानना है कि एम किसके साथ लगता है, इज किसके साथ लगता है, आर किसके साथ लगता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ये है। ठीक है, तो आई के साथ हमेशा एम लगेगा। ठीक है, ही सी ईट या नेम के साथ इज लगेगा और दे बी यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। ही सी ईट और यह नेम के साथ भी इज लगेगा। ठीक है, नेम ही सी ईट या नेम के साथ इज, दे बी यू के साथ आर और आई के साथ एम। ठीक है, तो चलो अब एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो वह गाना गा रही है। ठीक है, मींस यहाँ पे काम क्या हो रहा है, गाना गाने का, तो इसका सिंपल सेंटेंस का क्या होगा, सी सी इज क्या होगा, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग। क्यों, ही सी इट के साथ क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब इज और
सिंग में क्या आईएनजी फॉर्म लगेगा, है ना, आईएनजी फॉर्म लगेगा। तो देखो पहले तो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आ गया। अब देखो हिस इज एम आर आना चाहिए तो इज आ गया। अब देखो वर्ब में आईएनजी फॉर्म होना चाहिए तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म हो गया। अब क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अब देखो अगर नेगेटिव की बात करें तो क्या होगा, सी इज, अब नेगेटिव में क्या आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। अब अगर इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव क्या होगा, इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग, उसके बाद क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये देखो हेल्पिंग वर्ब पहले आया, फिर सब्जेक्ट आया सी, फिर वर्ब में आईएनजी फॉर्म आया, फिर ऑब्जेक्ट आया, फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो दूसरा एग्जांपल, आज बारिश हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कोई सा भी सब्जेक्ट नहीं है, तो जहां पे सब्जेक्ट नहीं होता है वहां पे क्या लेते हैं, इट लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इट, इट में क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब, इज लगेगा, इट इज क्या होगा वर्ब में आईएनजी फॉर्म, इट इज रेनिंग टुडे, आज क्या है बारिश हो रही है, फिर तो टुडे इट इज रेनिंग वो भी गलत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब इसका नेगेटिव, इट इज नॉट रेनिंग टुडे, इट इज नॉट रेनिंग टुडे। अब अगर इसका इंट्रोगेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इज इट रेनिंग टुडे, इज इट रेनिंग टुडे, ठीक है। फिर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा तीसरा एग्जांपल देखते हैं, मैं रोड पर चल रहा हूं, ठीक है, मैं क्या है रोड पर चल रहा हूं, तो इसका क्या होगा ट्रांसलेशन, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, ठीक है। तो आई एम, चलना किसको बोलते हैं, वॉक को, वॉकिंग ऑन द रोड, ठीक है, मैं क्या है रोड पर चल रहा हूं। इसका नेगेटिव क्या जाएगा, आई एम नॉट वॉकिंग ऑन द रोड, आई एम नॉट वॉकिंग ऑन द रोड, ठीक है। अगर इसका इंट्रोगेटिव निकाले तो क्या होगा, एम आई वॉकिंग ऑन द रोड, एम आई वॉकिंग ऑन द रोड, फिर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये तो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हम लोग को अगर हिंदी में आइडेंटिफाई करना हो तो क्या होना चाहिए, वाक्य के अंत में अगर चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, ये सब अगर आता है तो वहां पे क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। मीन्स हम लोग जब भी बात करते हैं कि अगर कोई बोलते हैं क्या तुम खाना खा चुके हो, मतलब आप समझ जाना कि वहां पे क्या टेंस का बात हो रहा है, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बात हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, और अगर कोई इंग्लिश में बोलता है तो अगर हैव या हैज लगाया, ठीक है, तो क्या है हम लोग वहां पे जान जाएंगे कि ये क्या है परफेक्ट का बात कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैव या अप्लिक हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैव या अप्लिक हैज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, हैव या हैज ये क्या है, ये सिंपल सेंटेंस के लिए है, ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए है, ठीक है। तो अब देखो आई वी दे यू के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, ही सी ईट योर नेम के साथ क्या लगता है, हैज लगता है। इसको क्या है अगर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं सेकेंड पर्सन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ये देखो वे दुकान बंद कर चुके हैं, लास्ट में चुके हैं आया, ठीक है, वे अपना दुकान क्या है बंद कर चुके हैं, ठीक है। तो अब देखो इसका क्या होगा, दे के साथ क्या आएगा हेल्पिंग वर्ब, हैव आएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं दे, फिर क्या होगा हेल्पिंग वर्ब, दे हैव क्या होगा दुकान बंद कर चुके हैं, क्लोज्ड देयर शॉप, वे अपना दुकान बंद कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव क्या हो जाएगा, दे हैव के बाद क्या लगा देना है, नॉट क्लोज्ड देयर शॉप। अगर मैं इंट्रोगेटिव की बात करूं तो क्या होगा यहाँ पे,
Have they closed their shop? Have they closed their shop? फिर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरा एग्जांपल है, हम गणित हल कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ भी चुके हैं आया क्या? आया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको ले लेते हैं वी, ठीक है। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब क्या लगाते हैं? हैव या हैज। वी के साथ क्या लगेगा? हैव। वी हैव अब क्या है? हल कर चुके हैं, ठीक है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। वी हैव सॉल्व, ठीक है, क्या होगा? मैथमेटिक्स या फिर मैथ्स। वी हैव सॉल्व मैथमेटिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या जाएगा नेगेटिव में? वी हैव नॉट सॉल्व मैथमेटिक्स। अगर इंटरोगेटिव लगाएंगे तो क्या होगा? हैव वी सॉल्व मैथमेटिक्स। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से ही मैं क्या है बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखो तीसरा एग्जांपल है, वह स्कूल से घर जा चुकी है, ठीक है। यहाँ भी चुकी है आया, मीन्स ये भी क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, ठीक है। तो सी हैज, ठीक है, घर क्या है? वह घर जा चुकी है। तो क्या होगा? जाने का काम, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? गो वेंट गॉन, ठीक है। सी हैज गॉन टू होम या फिर हाउस, ठीक है, होम फ्रॉम स्कूल, ठीक है। वह स्कूल से घर जा चुकी है। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? सी हैज नॉट गोन टू होम फ्रॉम स्कूल, ठीक है। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा? हैज सी गोन टू होम फ्रॉम स्कूल। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्लस, अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा? इसमें समय के साथ वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आएगा तो क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा वहां पर, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी आया था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे डिफाइन किया है समय, ठीक है। अगर समय के साथ अगर वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, अगर आदि आएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। चलो अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैव ऑब्लिक हैज बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। सिंस फॉर किसके लिए है? समय के लिए। मैं बोला था ना समय के साथ अगर आएगा तो क्या होगा? यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, ठीक है। अब अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज बीन प्लस नॉट प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। ये सिंपल सेंटेंस के लिए है, ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या होगा। इंट्रोगेटिव में हैव हैज बाहर आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट बीन यहाँ आएगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। फिर क्या है? इंट्रोगेटिव मार्क्स, ठीक है, मीन्स प्रश्नात्मक चिन्ह, ठीक है। अब देखते हैं हैव बीन और हैज बीन किसके साथ लगेगा, ठीक है। आई वी दे यू के साथ क्या लगेगा? हैव बीन लगेगा। ही सी इट या नेम के साथ क्या लगेगा? हैज बीन लगेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंस, सिंस किसके लिए होता है? पर्टिकुलर टाइम, मीन्स निश्चित समय के लिए क्या है हम लोग सिंस का यूज करते हैं, जबकि अनिश्चित समय के लिए क्या करते हैं? फॉर का यूज करते हैं। अब निश्चित समय अनिश्चित समय क्या चीज है? जैसे कि 2 बजे में बोला, ठीक है, 2 बजे बोला तो क्या है? 2 बजे एक निश्चित समय है, 2 बज रहा है, हाँ 2 बजे एक निश्चित समय है। लेकिन अगर मैं बोलूं 2 घंटा, ठीक है, 2 घंटा बोलूं तो क्या होगा?
24 घंटा में से कोई सा भी 2 घंटा हो सकता है, लेकिन 2 बजे क्या है, एक निश्चित समय है। ठीक है, तो निश्चित समय में 2 बजे क्या होगा, ये निश्चित समय होगा। जैसे कि जनवरी बोल दिया, ठीक है, जनवरी बोल दिया तो क्या हो गया, ये निश्चित है कि हाँ जनवरी डिफाइंड है। लेकिन इसी को मैं बोल दूंगा कि कोई सा भी 2 मंथ, एक साल में कोई सा भी 2 मंथ बोल दूंगा तो क्या है, वो अनिश्चित हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अनिश्चित में क्या हो जाएगा, 2 घंटा, 2 महीना, 2 साल, ऐसे ही क्या है वो डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, मीन्स अनपर्टिकुलर टाइम होगा, तो वहां पे क्या होगा, अनिश्चित समय होगा, तो फॉर का यूज होगा, और निश्चित समय के लिए क्या का यूज होगा, सिंस का यूज होगा। ठीक है, अब चलो एग्जांपल देखते हैं। वे 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल सेंटेंस में ट्रांसलेशन क्या होगा, दे, अब देखो यहाँ पे क्या लगेगा, सब्जेक्ट हो गया, फिर हैव या हैज बीन, तो दे के साथ क्या लगेगा, हैव बीन। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, प्लेइंग, वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, क्रिकेट, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, और इसके बाद हो गया, अब सिंस फॉर का बारी आया। ठीक है, सिंस 2 o'clock, 2 o'clock, ठीक है, ये क्या है, निश्चित समय है, इसीलिए सिंस का यूज हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेगेटिव क्या होगा, दे हैव नॉट बीन, सॉरी यहाँ पे मैं गलती लिख दिया हूँ, दे हैव पहले आएगा, यहाँ पे नॉट बीच में आएगा। ठीक है, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। आप इसका इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। फिर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलना है, तभी बनेगा। ठीक है, अब देखो इसको आप लोग इस सेंटेंस के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको आप मैच कर सकते हो। ठीक है, इतना तो आ जाएगा सबको। ठीक है, अब देखो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वह कल रात से नाच रही है। ठीक है, वो कब से नाच रही है, कल रात से नाच रही है, तो क्या हो जाएगा, पहले तो सब्जेक्ट लेंगे सी, अब देखो सी के साथ क्या आएगा, हैज बीन आएगा, सी हैज बीन डांसिंग, क्या है, डांसिंग। ठीक है, अब क्या होगा, कब से नाच रही है, कल से। ठीक है, तो सिंस, क्योंकि कल डिफाइंड है, यस्टरडे। ठीक, अब इसका नेगेटिव इंटरगेटिव तो आप बना सकते हो, सी हैज नॉट बीन डांसिंग सिंस यस्टरडे। ठीक है, अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हैज सी बीन डांसिंग सिंस यस्टरडे। ठीक, अब देखो अनदर एग्जांपल है, राम मोहन को 10 दिनों से पढ़ा रहा है। ठीक है, राम, अब यहां पे क्या होगा, हैज बीन, राम हैज बीन टीचिंग टू मोहन, सॉरी यहां पे मोहन नाम पे एम बड़ा आएगा, टीचिंग मोहन, अब देखो 10 दिन, कोई सा भी 10 दिन हो सकता है, फॉर 10 डेज, ये निश्चित नहीं है, तो यहां पे क्या आएगा, फॉर आएगा। ठीक है, अब देखो इसका नेगेटिव, राम हैज नॉट बीन टीचिंग टू मोहन फॉर 10 डेज, इसका इंटरोगेटिव क्या होगा, हैज राम बीन
टीचिंग टू मोहन, फॉर 10 days, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो लास्ट एग्जाम्पल है, 3 दिनों से बारिश हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है तो क्या होगा, इट के साथ क्या आएगा, हैज बीन, इट हैज बीन रेनिंग, ठीक है, फॉर क्या है 3 days, 3 दिन, मतलब कोई सा भी 3 दिन हो सकता है, ठीक है। तो इट हैज नॉट बीन रेनिंग फॉर 3 days। अब हैज इट बीन रेनिंग फॉर 3 days, ठीक है। तो ये हम लोग का यहाँ पे टेंस पूरा कंप्लीट होता है, प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट, मींस चारों टाइप, हर एक टेंस का 4 टाइप होता है, ये चारों टाइप कंप्लीट हो गया। इसी को आप अगर घर में प्रैक्टिस करते हैं तो और कुछ भी का जरूरत नहीं है, आप पूरा टेंस जान जाएंगे, ठीक है। इसको अच्छे से लिख लीजिएगा और बार बार प्रैक्टिस कीजिए। थैंक